गाजीपुर से अमित उपाध्याय, पत्रकार यूपी हेड की खास रिपोर्ट। लुटेरे गिरोह का पुलिस ने किया पर्दाफाश। एजेंट को लूटने वाले 5 लुटेरे, दूसरी डकैती डालने के पहले हुए गिरफ्तार। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर नंदरगंज थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 48 घंटों पूर्व समूह का रूपा लेकर आ रहे माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से बूर्णपुर नहर के पास हुई 43,000 रुपयों की लूट के मामले में शामिल 5 लुटेरों को एक और डकैती डालने के पूर्व ही गिरफ्तार करके उनके गिरोह का पर्दाफाश किया है। उनके पास से अवैध तमंचा व लूट और आगामी डकैती में उपयोग किए जाने वाले उपकरण सहित लूटी गई रकम में से 27,800 रुपये भी बरामद किया है। 2 दिनों पूर्व लुटेरों ने बूर्णपुर नहर के पास से लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद मिली तहरीर के आधार पर पुलिस छानबीन में जुटी था। इस बीच सूचना के आधार पर पुलिस ने मुडरभा मोड़ तिराहे पर नहर किनारे मौजूद छोटेलाल चौहान के मकान के खंडहर से 5 को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी में उनके पास से अवैध देशी तमंचा सहित लूटी गई रकम में से शेष 27,800 रुपये, एक पिलास पेचकस, लोहा काटने की आरी, लोहे की 2 सबरी व लूट में प्रयुक्त बाइक बरामद हुई। सभी को थाने लाया गया। पूछताछ में उन्होंने अपना नाम विकास सिंह यादव पुत्र रामनवल सिंह यादव निवासी डिंडापुर, अभिनंदन चौहान पुत्र छोटेलाल चौहान निवासी मुदरभा, चंद्रहास चौहान संदीप पुत्र आजाद निवासी लक्ष्मणपुर, हरिभजन चौहान शाखा पुत्र जीवन चौहान निवासी मुदरभा व दीपक कुमार पुत्र मुराहू बिंद निवासी पहलवानपुर बताया। उन्होंने बताया कि वो सभी उस खंडहर में जुटकर अगस्ता गांव के एक ज्वेलरी की दुकान में डकैती डालने की योजना बना रहे थे, इसीलिए उन्होंने असलहा सहित अलमारी आदि काटने का सामान भी जुटा लिया था। टीम में थानाध्यक्ष कमलेश कुमार, एसआई आनंद गुप्ता, हेड कांस्टेबल अनिल यादव, कांस्टेबल जमील अंसारी, कांस्टेबल अश्वनी पासवान, कांस्टेबल आलोक सिंह, कांस्टेबल मधुरेंद्र कुशवाहा, कांस्टेबल सत्य प्रकाश यादव व कांस्टेबल विनय नायक शामिल रहे। दिनांक 4/10/2024 को थानानंदगंज थाना क्षेत्र में समूह का पैसा इकट्ठा करने वाले के साथ 43,000 रुपए की लूट हुई थी। इस संबंध में थाना नंदगंज पुलिस टीम द्वारा 5 अभियुक्त को गिरफ्तार किया, जिनके पास से तमंचा, कारतूस, अन्य चीजें बरामद हुई और लूट में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। इस संबंध में थाना नंदगंज द्वारा विधिक कार्रवाई की जा रही है।